जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकिड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां। rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर के केबी रोड पर विस्थापित हुए लोगों के लिए फिर उम्मीद की किरण नजर आई है। ऐसे दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकान गंवाई थी उनको इंदिरा गांधी मार्केट में मिल सकती है दुकान। आपको बता दें, उल्लासनगर मनपा के स्थायी समिति सभापति दीपक टोनी सीरवाणी ने कल कैंप 3 स्थित इंदिरा गांधी मार्केट का दौरा किया। ये जानते हैं स्थायी समिति सभापति दीपक टोनी सीरवाणी और नगर सेवक राजेश विद्रिया इंदिरा गांधी मार्केट के दौरे के बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले केबी रोड के जो विस्थापित हुए थे लगभग 205 या 210 जो दुकान है, इनको हमने इंदिरा गांधी मार्केट में इनका ये किया था कि इनको वहाँ पर मालकाना हक मिलना चाहिए, उनको वहाँ पर गाले मिलने चाहिए। तो 2019 में हमारे पास वो सनद मिली है राजेश वद्रिया जी के कार्यकाल में। 2 साल से कोरोना काल की वजह से हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। आज हमने उनका दौरा किया, कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि उल्लासनगर केवी रोड के जो व्यापारी जो 100% बाधित हुए थे उनको उनका हक मिले। सभी पार्टियों का इसमें योगदान रहेगा आगे भी। इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष का ही है, इसमें महापौर का भी रोल रहेगा, इसमें उपमहापौर का भी रोल रहेगा, इसमें जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनका भी रोल रहेगा, व्यापारी संगठन जो है उनको भी अकोमोडेट करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें इस शहर के लिए होनी चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव जैसे शहर के पास नोट जावे। देखिए, SDO साहब ने महानगर पालिका को कुछ प्लाट की सनद दी है जिसमें से बोट क्लब और इंदिरा गांधी मार्केट उनमें से एक है। हमने जनरल बॉडी में ये रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि जिन भी भाइयों के, दुकानदार भाइयों के कल्याण बदलापुर रोड बनाते समय पूरे के पूरे दुकान गए हैं, उनको हमें अल्टरनेट जगह के तौर पर इंदिरा गांधी मार्केट में जगह देनी है। हमने पहले कंसल्टेंट नियुक्त किया था, उसने प्लान बना के दिया था, लेकिन कोरोना आने के वजह से वो सब काम रुक गया। अभी जैसे ही टोनी सीरवाणी जी सभापति बने हैं तो उन्होंने इस विषय को लिया है। उन्होंने मुझे, हमारे अध्यक्ष जमनू जी, शेरी लुंड और बाकी के कुछ नगर सेवकों को साथ में लेकर उपायुक्त नाइकवाड़े जी को, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट को, दूसरे अधिकारियों को साथ में लेकर आज वहां पर दौरा किया है। और हमारी ये इच्छा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द बनने की शुरुआत हो, जिसमें दुकानदार भाइयों को दुकान मिलेगा और बोट क्लब पर उल्लासनगर के वासियों को एक बहुत अच्छी मनोरंजन की, खेलने कूदने की, गार्डन की एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। वहीं उल्लासनगर मनपा उपायुक्त अशोक नाइकवाड़े भी इंदिरा गांधी मार्केट पर किए गए दौरे के विषय पर क्या बता रहे, आइए वह भी जानते हैं। विषय किस प्रकार का ये दौरा था, किस क्यों ये दौरा किया गया? आदरणीय स्थायी समितीचे सभापति आणि इतर आपले महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक यांच्या समवेत आम्ही इंदिरा गांधी मार्केट आणि बोट क्लब या जागेची, आपल्या महानगरपालिकेची पाहणी केलेली आहे। या जागेचे उत्तमरित्या
डेव्हलपमेंट कसं करता येईल आणि तिथं एक सुंदर वास्तू कशा निर्माण होतील याबाबतचा विचार समोर ठेवून आम्ही त्या जागेच्या डेव्हलपमेंटसाठी कन्सल्टंट नियुक्त केलेला आहे आणि त्या कन्सल्टंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणारा एफ एस आय हे सर्व विचारात घेऊन तिथे सर्व सुविधायुक्त आपल्या शहर वाचण्यासाठी मार्केट निर्माण करणं, काही मनोरंजनाचे ठिकाणं निर्माण करणं किंवा तिथे काही औद्योगिक ज्या इथं संस्था आहेत त्यांच्या व्यापारासाठी मार्केटची सुविधा निर्माण करणं अशा विविध प्रयोजनासाठी त्या प्लॉटचं डेव्हलपमेंट चांगल्या प्रकारे कसं करता येईल हे सध्या विचाराधीन आहे. ते अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे. त्यासाठी आपण कन्सल्टंट नियुक्त केलेला आहे. कन्सल्टंटचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी विचार केला जाईल. उल्हास लाईन बुलेटिन को सब्सक्राइब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर.